हमेशा से ही विवादों में रही बीकानेर की सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस बार जेल प्रहरी द्वारा ही जेल के अंदर विचाराधीन कैदियों को मोबाइल पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस पर जेल प्रशासन ने निशानदेही पर कैदियों से मोबाइल जब्त कर कार्रवाई करते हुए, दरअसल बीकानेर की बीछवाल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जेल में मौजूद आरएसी के जवान महेंद्र बिश्नोई की पिछले 3 महीने से वॉच टावर पर ड्यूटी थी। इस दौरान वो मंगलवार को ड्यूटी के दौरान जेब में मोबाइल और चार्जर के पैकेट बनाकर ले गया और मौका देखते ही जेल के अंदर पैकेट को फेंक दिया। इसी दौरान जेल के अंदर तैनात दूसरे कर्मचारियों ने कैदियों को मोबाइल उठाते हुए देख लिया। इसके बाद इसकी सूचना जेल अधीक्षक और जेल प्रशासन को दी गई, जहां कैदियों से 5 मोबाइल और 2 चार्जर बरामद हुए। वहीं इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बीछवाल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और जेल प्रहरी महेंद्र बिश्नोई को निलंबित कर दिया गया है। अब जेल प्रहरी महेंद्र बिश्नोई जिस जेल में तैनात था वहीं जेल के अंदर सजा काट रहा है। कल दिन में जेल प्रशासन ने एक जेल में जो बंदी हैं दो, उनको कोई 2 बंडल उठाते हुए देखा, तो जेल प्रहरी ने अधीक्षक को अन्य जो जेल में कर्मचारी उनको सूचना दी, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जो 2 बंदी उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ करी, तो प्रारंभिक तौर पे ये आया कि एक महेंद्र नाम का संतरी जो 13वीं बटालियन आरएसी का है, जो जेल सुरक्षा के लिए बनी हुई बटालियन है, उसकी वाचर्स पोस्ट पर ड्यूटी थी और उसने वो अंदर बंदियों से मिली भगत करके वो पैकेट फेंके थे और उस आधार पे जेल प्रशासन की रिपोर्ट पे थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये पाया गया कि आरएसी के कांस्टेबल महेंद्र ने जेल के अंदर बंदियों से सांठ गांठ कर 5 मोबाइल, 5 उनके चार्जर और 5 लीड जो पैकेट बना के अंदर जेल के डाले थे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर महेंद्र सिपाही है उसको गिरफ्तार किया गया। आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या ये पहले भी इस तरह के काम करता रहेगा? अभी प्रारंभिक स्तर पर पूछताछ है, CDR वगैरह आने पे एनालिसिस होगा कि इसकी और किन बंदियों से क्या सांठ गांठ है या और कोई इसकी मिली भगत है, तो सारी जो चीज़ें हैं वो भी प्राइमरी लेवल पर हैं और यदि और भी कोई बात आएगी तो उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि आरएसी जवान ने जेल में हत्या के मामले में बंद कैदी पवन और रामपाल के लिए मोबाइल उपलब्ध करवाए थे। आरोपी महेंद्र सिंह से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सामान्य कीपैड वाला मोबाइल 1000 में बाजार में मिल जाता है, लेकिन जेल के अंदर पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत करीब 20,000 रुपए हो जाती है। फिलहाल अब पुलिस पता लगा रही है कि कैदियों तक मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान पहुंचाने के पीछे आखिर कौन सा रैकेट काम कर रहा है। पंजाब के सीटीवी के लिए बीकानेर से आनंद की रिपोर्ट।